नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का अध्ययन करें। विश्व इतिहास के तहत हम पूरी समस्या का जिक्र कर रहे हैं। पूरी समस्या के तहत बात की जाए तो क्रीमिया के युद्ध को हम पढ़ रहे हैं। तो क्रीमिया के युद्ध के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि क्रीमिया का युद्ध किन किन के मध्य होता है। क्रीमिया का युद्ध तुर्की की और रूस के मध्य होता है, ठीक है। और रूस की तरफ जो तुर्की की तरफ से जो इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा भी भाग लिया जाता है रूस के विरुद्ध में। क्रीमिया के युद्ध के तहत हमने प्रथम चरण की बात कल के युद्ध में जो कल की क्लास में की थी, सॉरी अगर बात की जाए। क्रीमिया का युद्ध तीन चरणों में समाप्त होता है। एक तो प्रथम चरण, एक द्वितीय चरण, एक तृतीय चरण जिसे अंतिम चरण कहा जाता है, जिसके तहत हमने प्रथम चरण की बात की थी। प्रथम चरण के तहत हमने क्रीमिया के युद्धों के कारणों का जिक्र किया था। उसके अलावा हम देखा तात्कालिक कारण जो बात की जाए रूस के द्वारा जो तुर्की के प्रांत होते हैं मोल्दाविया और वेलेशिया की जो बात की, मोल्दाविया और वेलेशिया जो प्रांत होते हैं उन प्रांतों पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है रूस के द्वारा। अब तुर्की के द्वारा जो चेतावनी दी जाती है 15 दिनों में खाली करने की, लेकिन रूस के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो तुर्की के द्वारा रूस के विरुद्ध क्या कर दी जाती है, युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। और उसके अलावा इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा भी इस प्रांत को खाली करने की जो बात की जाए, तो जो ये मोल्दाविया और वालेशिया के जो प्रांत हैं इनको खाली करने की चेतावनी किसे दी जाती है, रूस को दी जाती है। इंग्लैंड और फ्रांस की जो चेतावनी का भी ध्यान उसके द्वारा नहीं दिया जाता है, चेतावनी पर बिल्कुल रूस के द्वारा। तो इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा भी जो 1854 ईस्वी में जो रूस के विरुद्ध क्या कर दी जाती है, युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। इस घोषणा के तहत हमने देखा जो प्रथम चरण के तहत जो इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा अपनी संयुक्त सेनाएँ सहायता हेतु तुर्की की सहायता हेतु भेज दी जाती है। शिनोई के हत्याकांड के बारे में हमने जिक्र किया था किस तरीके से जो तुर्की बेड़े को रूस के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, और काला सागर में इनके द्वारा जो फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा अपनी संयुक्त सेना किसके विरुद्ध भेज दी जाती है, रूस के विरुद्ध तुर्की की सहायता करने हेतु भेज दी जाती है। अब इनके द्वारा जो दबाव बनाकर इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा दबाव बनाया जाता है, उसके अलावा जो ऑस्ट्रिया के द्वारा भी दबाव बनाया जाता है, ऑस्ट्रिया के द्वारा भी जो रूस की सीमाओं पर जो सेनाएं अपनी तैनात कर दी जाती है और रूस को अपनी सीमा से सेना हटाने के लिए कहा जाता है तथा इन प्रांतों को खाली करने को कहा जाता है। तो इन तीनों के दबाव से जो रूस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो मोल्दोविया है, मोल्दोविया और वालेशिया प्रांतों को खाली कर दिया जाता है। तब मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो चार प्रस्ताव रखे जाते हैं किसके समक्ष, रूस के समक्ष रखे जाते हैं। चार प्रस्तावों की हमने बात की। एक तो इन प्रांतों से जो मोल्दाविया और वालेशिया से रूस का संरक्षण समाप्त हो जाएगा, यूनानी जो तुर्की में रहने वाले यूनानी उनसे संरक्षण समाप्त किया जाए, और जो डेन्यूब नदी का प्रदेश है वहाँ पे सभी जो यूरोपीय राज्यों को व्यापार करने की अनुमति मिले। और बात की जाए तो इस मंडल में जो यूरोपीय मंडल है, यूरोपीय राज्य मंडल में किसको शामिल किया जाए, तुर्की को शामिल किया जाए। इन चारों बातों से जो रूस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, इन चारों बातों को ठुकरा दिया जाता है। तो इन चारों बातों को ठुकराने के पश्चात द्वितीय चरण की शुरुआत होती है युद्ध के, क्रीमिया युद्ध के कौन से चरण की, द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। अब क्रीमिया के युद्ध के तहत फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा रूस की शक्ति को कमज़ोर करने का निश्चय किया जाता है। तो उसके तहत उनके द्वारा क्या किया जाता है, रूस का जो द्वितीय चरण में जो प्रस्ताव ठुकरा दिए गए उसके पश्चात बात की जाए तो क्रीमिया, एक तो हम पहले क्रीमिया पर चर्चा कर लेते हैं। क्रीमिया जो रूस का क्षेत्र होता है, प्रांत होता है, और रूस की सामुद्रिक शक्ति, जो सामुद्रिक शक्ति का जो प्रमुख केंद्र कौन सा होता है, क्रीमिया होता है, और ये इसी प्रांत इसी क्षेत्र में होने के कारण क्या कहलाता है, क्रीमिया का युद्ध कहलाता है, ठीक है। इस बात को क्लियर किया और आगे बढ़े तो सिवास्टोपोल, ये सिवास्टोपोल है जो क्रीमिया के अंतर्गत एक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है, रूस के जो शस्त्रागार होते हैं यानी गोला बारूद वगैरह जो अस्त्र शस्त्र होते हैं सामुद्रिक, वो कहाँ रखे होते हैं, यहाँ रखे हैं। ये सामुद्रिक शस्त्रागार होता है, शस्त्रागार यानी जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं वो क्षेत्र होता है। अब इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा बस इस क्षेत्र पर अधिकार करने का निश्चय किया जाता है, और इस क्षेत्र पर बोले आक्रमण करके रूस की शक्ति को क्या किया जा सकता है, कमज़ोर किया जा सकता है। तो अब इस पे आक्रमण करने से पहले जो इसके पास के जो क्षेत्र है उन पे जो अधिकार करना ज़रूरी है, तो उसी दौरान 14 सितंबर 1854 ईस्वी को क्या किया जाता है, जो फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा अपनी संयुक्त सेनाएं भेज दी जाती है, और ये संयुक्त सेनाएं जो
इसके सिवास्तोपोल के उत्तर में जो यूपेटोरिया नामक क्षेत्र स्थित होता है वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि सिवास्तोपोल पर अधिकार करने से पहले इनको कहाँ अधिकार करना होगा, यूपेटोरिया पर अधिकार करना होगा। यूपेटोरिया की खाड़ी में पहुँच जाती है और अब यूपेटोरिया की खाड़ी में पहुँचने के पश्चात रूस की सेनाएँ भी वहाँ पहले से जो थी, और उसके अलावा जो इसके इन दोनों के मध्य जो दोनों पक्षों के मध्य जो 20 सितंबर को युद्ध होता है, कौन कौन से दोनों पक्ष कौन थे, एक तो इंग्लैंड फ्रांस वाला पक्ष है, तुर्की भी उनके साथ में अगर बात की जाए तो ठीक है, और दूसरा पक्ष रूस का पक्ष है। तो 20 सितंबर 1854 ईस्वी में इनके मध्य जो युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध कहलाता है, एल्मा का युद्ध कहलाता है। कौन सा युद्ध कहलाता है, एल्मा का युद्ध कहलाता है। और किस किस के मध्य होता है, रूस और इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेना के मध्य होता है। और इस युद्ध में रूस को पराजित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, इंग्लैंड फ्रांस की संयुक्त सेना के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। अब रूस को इस क्षेत्र में पराजित किया, न कि अभी पूर्णतः पराजित नहीं किया जाता है रूस को, अगर बात की जाए इस क्षेत्र में रूस को पराजित इनकी सेनाओं के द्वारा कर दिया जाता है और रूस को पीछे धकेल दिया जाता है। अब इनका उद्देश्य कौन सा था कि ये सिवास्तोपोल है इस पर अधिकार करना फ्रांस और इंग्लैंड की सेना, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, रूस के जो अस्त्र शस्त्र वो सारे गोला बारूद यहाँ पड़े हैं, तो अब इसका घेरा शुरू कर दिया जाता है। सिवास्तोपोल का घेरा जो चारों तरफ से इसे घेरने के लिए जो घेरा तैयार शुरू कर दिया जाए इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेना के द्वारा। और ये क्रीमिया के युद्ध में सबसे लंबी चलने वाली लड़ाई है, कौन सी, सिवास्तोपोल की, यानी इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए जो लंबी लड़ाई चलती है 11 महीने तक चलने वाली लड़ाई है। और इस लड़ाई में दोनों पक्षों की तरफ से अगर बात की जाए तो लगभग 5 लाख लोग मारे जाते हैं। क्रीमिया के युद्ध में सबसे बड़ी चलने वाली जो लड़ाई कौन सी, सिवास्तोपोल की लड़ाई मानी जाती है। ठीक है, अब इसी दौरान क्या होता है कि जो इटली हमने पढ़ा था ना, इटली का एकीकरण सार्डिनिया के नेतृत्व में होता है। सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कौन होता है, केवूर होता है। ठीक है, तो अब केवूर के द्वारा क्या कर दी जाती है, जो 1855 ईस्वी में बात की जाए, मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी जाती है। किसके विरुद्ध, रूस के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के तरफ से युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी जाती है। और केवूर के द्वारा क्या किया जाता है, इस क्रीमिया के मैदान में अपने 18,000 सैनिक भेज दिए जाते हैं। और 18,000 सैनिक भेजने से जो इसमें मित्र राष्ट्र की सेनाओं में क्या उत्साह आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ रूस की स्थिति कमज़ोर कर दी जाती है इनके द्वारा 18,000 सैनिक, और किसके द्वारा भेज दिए गए, जो केवूर के द्वारा भेज दिए जाते हैं। सार्डिनिया का कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, लेकिन इसी दौरान अब इनके द्वारा जो 18,000 सैनिक, लेकिन इसी दौरान रूस के जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो जाए। जार किसे कहते हैं, जार राजा को कहा जाता है, जार। ठीक है, जार किसे कहते हैं, रूस में राजा को, शासक को जो क्या कहा जाता है, जार। इसकी निकोलस प्रथम की क्या हो जाती है, मार्च 1855 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। और इसी बीच रूस का नया जो जार बनता है अलेक्जेंडर द्वितीय बनता है। और इसी जो रूस के जार निकोलस प्रथम की मृत्यु के साथ ही द्वितीय चरण समाप्त हो जाता है। अब इसके पश्चात युद्ध का कौन सा चरण होता है, तृतीय चरण और अंतिम चरण होता है। अब रूस का जार कौन बन गया, अलेक्जेंडर द्वितीय बन गया है, और उसकी तो क्या होगी, जार निकोलस की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब क्या किया जाता है कि इन्होंने घेरा डाल रखा है, सिवास्तोपोल की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, रूस का जो शस्त्रागार है और गोला बारूद है जो भी, यहाँ सारे पड़े सामुद्रिक शस्त्रागार है, इस पर अगर अधिकार कर लिया जाए तो रूस की स्थिति क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और 11 महीनों से इन्होंने घेरा डाल रखा है। अब जैसे ही केवूर के द्वारा जो 18,000 सैनिक भेज दिए जाते हैं, किसकी सहायता के लिए, जो मित्र राष्ट्र की सेनाओं की सहायता के लिए, तो इससे मित्र राष्ट्र की शक्ति जो बढ़ जाती है और इनका पक्ष क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब रूस को ये लगने लगता है, रूसी सेनाओं को, कि उस क्षेत्र पर जो सिवास्तोपोल क्षेत्र पर ज़्यादा समय तक उनका अधिकार नहीं रहेगा। अब ज़्यादा समय तक उनका अधिकार नहीं रहे, लेकिन वहाँ पर जो अस्त्र शस्त्र है, गोला बारूद, वो किसके हाथ नहीं लगने चाहिए, वो इन मित्र राष्ट्रों की सेना, यानी कि जो फ्रांस और इंग्लैंड की संयुक्त सेना, उसे हाथ नहीं लगनी चाहिए। तो इसलिए उनके द्वारा क्या किया जाता है, रूस की सेना के द्वारा क्या किया जाए, 9 सितंबर को जो बात की जाए 1855 ईस्वी को, सिवास्तोपोल जो इनका शस्त्रागार, अस्त्र शस्त्र रखने की जो जगह है, वहाँ जो गोला बारूद को क्या कर दी जाती है, आग लगा दी जाती है। वहाँ आग लगाने के पश्चात जो
और वहाँ से सेना के द्वारा, रूस की सेना के द्वारा उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और यहाँ पे जो मित्र राष्ट्र की सेनाओं का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। लेकिन रूस के द्वारा अभी भी जो बात की जाए, सरेंडर नहीं किया गया और इस युद्ध को रूस क्या करता है, जारी रखता है। अभी भी मित्र राष्ट्रों और रूस के मध्य जो संघर्ष निरंतर चलता रहता है। और उसी दौरान रूस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, तुर्की का जो महत्वपूर्ण किला होता है, तुर्की का जो एक महत्वपूर्ण किला होता है, कोर्स का दुर्ग होता है, उस पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। उस पर अधिकार करने के पश्चात 28 नवंबर को इसके द्वारा जो बात की जाए, 1855 ईस्वी को अधिकार कर लिया जाता है रूस के द्वारा तुर्की के एक किले पे। अब इस पे अधिकार करने के पश्चात रूस क्या है, संधि के लिए तैयार हो जाता है और संधि की बातचीत इनके मध्य शुरू हो जाती है। किसके मध्य, मित्र राष्ट्रों और रूस के मध्य। और मित्र राष्ट्रों की बात की जाए तो मित्र राष्ट्रों के तहत कौन कौन आएंगे, ये फ्रांस है, इंग्लैंड है, प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, ये मित्र राष्ट्र हैं जो, और इनके मध्य और जो रूस के मध्य संधि की बातचीत शुरू होती है। और पेरिस में जो ये सम्मेलन होता है मित्र राष्ट्रों का, किस तरीके से जो संधि की जाए, इसी कारण जो ये पेरिस में संधि होने के कारण जो पेरिस की संधि कहलाती है, 30 मार्च 1856 ईस्वी को क्या है, इनके मध्य पेरिस की संधि हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो क्रीमिया युद्ध के द्वितीय चरण और तृतीय चरण की बात की, प्रथम चरण की हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो मोल्दाविया और वोलेशिया प्रांतों पे जो अधिकार हो जाता है रूस का, जो तुर्की साम्राज्य के प्रांत होते हैं, तो उन प्रांतों को ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा क्या करे, दबाव बनाकर खाली करवा दिया जाता है। लेकिन रूस के समक्ष 4 प्रस्ताव रखे गए, तो उन प्रस्तावों को रूस के द्वारा ठुकरा दिए जाने के पश्चात युद्ध का द्वितीय चरण शुरू हो जाता है। और 4 प्रस्तावों के बारे में हमने जिक्र किया था कि इन प्रांतों से रूस का संरक्षण समाप्त हो और इस क्षेत्र में जो यूरोपीय राज्यों को भी व्यापार करने की अनुमति मिले और जो यूरोपीय मंडल में इन्हें तुर्की को शामिल किया जाए। इसके अलावा जो यहाँ रहने वाले हैं तुर्की साम्राज्य में जो यूनानी रहने वाले, उस पर से जो रूस का संरक्षण समाप्त हो। लेकिन रूस के द्वारा जब इन बातों से साफ साफ इनकार कर दिया जाता है, उसके पश्चात युद्ध का द्वितीय चरण शुरू हो जाता है। और द्वितीय चरण के तहत बात की जाए तो इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा जो रूस की शक्ति को कम करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, इनके द्वारा जो इनका जो क्रीमिया के अंदर जो क्रीमिया क्षेत्र, क्रीमिया प्रांत है रूस में, उस प्रांत में जो सेवास्टोपोल नामक जो क्षेत्र होता है वहाँ पे, जो उस क्षेत्र में जो यहाँ जो सामुद्रिक शास्त्रागार किसका होता है, रूस का होता है, यहाँ गोला बारूद वगैरह यहाँ होते हैं, तो उस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया जाता है। उसी के तहत उनके द्वारा संयुक्त सेना भेज दी जाती है फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा, जो इस क्षेत्र के पास में जो यूपेटोरिया की खाड़ी तक पहुँच जाती है। और इन संयुक्त सेना के मध्य जो एल्मा का युद्ध होता है 20 सितंबर 1854, इस युद्ध में जो रूस की सेनाओं को पीछे धकेल दिया जाता है संयुक्त सेना जो फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाओं के द्वारा, तो उसके पश्चात उनके द्वारा सेवास्टोपोल के का घेरा शुरू कर दिया जाता है। और ये क्रीमिया के युद्ध में सबसे लंबा चलने वाला घेरा होता है, जो 11 महीने तक चलता है। दोनों तरफ से कम लगभग 500,000 लोग मारे जाते हैं दोनों पक्षों की तरफ से। बात की जाए रूस की तरफ से भी देख लो तुम और इंग्लैंड फ्रांस की तरफ से भी 500,000 लोग मारे जाते हैं। और उसी के पश्चात जो बात की जाए, इटली भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। सार्डिनिया के नेतृत्व में जो इटली का एकीकरण हमने पढ़ा, तो सार्डिनिया के प्रधानमंत्री केवर के द्वारा भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से जो रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाती है, जिसके तहत 18,000 सैनिक भेज दिए जाते हैं। उसी दौरान हम देखते हैं कि रूस के जार निकोलस प्रथम की मृत्यु हो जाती है और अलेक्जेंडर द्वितीय वहां का जार बनता है, यानी कि राजा सम्राट बनता है। तो यहां द्वितीय चरण समाप्त होता है निकोलस प्रथम की मृत्यु के पश्चात, और उसके पश्चात तृतीय और अंतिम चरण की शुरुआत होती है। अंतिम चरण में अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि केवर के द्वारा भी जो 18,000 सैनिक भेज दिए गए, उसी दौरान जो ये सेवास्टोपोल पे जो अधिकार अब रूसी सेना को लगने लगता है कि इस पे अधिकार हमारा कुछ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, तो उसी दौरान जो सेवास्टोपोल का शस्त्रागार होता है उसमें क्या कर दी जाती है, रूसी सेना के द्वारा आग लगा दी जाती है और इस क्षेत्र पे मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो जाता है। लेकिन रूस के द्वारा इस युद्ध को निरंतर जारी रखा जाता है। और इसी दौरान जो कोर्स द्वीप की बात की जाए, कोर्स द्वीप है जो तुर्की का, उस दुर्ग पे जो बात की जाए किसके द्वारा, रूस के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। और उसके पश्चात संधि की वार्ता शुरू कर दी जाती है किसके द्वारा, रूस के द्वारा। तो उसी दौरान जो मित्र राष्ट्रों और रूस के मध्य कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। अब कल की क्लास में हम बात करेंगे कि पेरिस की संधि के तहत कौन कौन सी शर्तें इनके द्वारा तय की जाती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो।
आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। अध्यापन से संबंधित अगर किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा उत्सुकता हो वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।